फ्रेंड्स, मैंने आपका तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो में करने वाला फीसिबल अंडर ₹35,000 का। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं प्रोसेसर पे। इसमें जो है ना प्रोसेसर यूज़ किया है राइजन 5 2400G। और फ्रेंड्स, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है और ये आता है 4 कोर 8 थ्रेड के साथ। और मतलब इसकी जो बूस्ट बेस क्लॉक है वो 3.4 GHz की, और जो मैक्स बूस्ट क्लॉक है वो 3.9 GHz की, और जो इसकी TDP है वो 65 W की। और मतलब जो इसकी GPU कोर है वो 11, और ये RX 11 ग्राफिक्स के साथ आता है। तो मतलब ये आपका गेमिंग तो कराए कराएगा, साथ में आपको एडिटिंग भी करा देगा ये। और फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो हम लोग एक रैम। तो मैंने जो इसमें रैम यूज़ की है वो है कॉर्सेयर की वेंजेंस LPS 8GB 3000 MHz की, 3000 MHz की 8GB की 2 स्टिक। तो मतलब अगर आप गेमिंग करते हैं और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करनी है आपको, तो आपको 16 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेसर है ये डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करता है। और अब फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो है नोवा मदरबोर्ड। तो मैंने इसे कुछ कोई अच्छा खासा मदरबोर्ड नहीं यूज़ किया, मैंने इसे लिया MSI का BO8320 मदरबोर्ड, B450 बोला जाता है। और फ्रेंड्स, आता है 2 खाली रैम स्लॉट के साथ। और फ्रेंड्स, इसमें आपको राइजन 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इसकी VRAM इतनी अच्छी खासी है नहीं, तो मतलब। और अब फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो है वो की SSD। तो जो मैंने इसमें SSD यूज़ की है वो है कोटा की 1 TB। फ्रेंड्स, जो इसने SSD यूज़ की है वो WD ग्रीन की 240 GB की 3.5 इंच की SSD। और फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने कैबिनेट यूज़ किया है वो है X410B। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कैबिनेट के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो इसमें आपको फ्रंट में 2 खाली SSD स्लॉट्स मिल जाते हैं, और पीछे 2 HDD स्लॉट्स मिल जाते हैं, और एक पावर सप्लाई का मिल जाता है। और फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज़ है इसकी, मतलब इसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। और फ्रेंड्स, मतलब आपको इसमें फैन प्री इंस्टॉल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। We'll be right back.